4:30 तो बिल्कुल निकल जाना चाहिए था। तो तैयार भी नहीं हो रहे थे, हमने पीछे पड़ पड़ तैयार कर रहे हैं। मैं कभी चिल्ला रही हूँ तैयार होने के लिए। अच्छा, हाँ। ये देखो राजधानी एक्सप्रेस आई। हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। हम सब जा रहे हैं चौकी रानी और यहाँ पर ये हाल है भाई साहब। चौकी रानी चल रहा है, चलो खड़े हो सब। हम तो बिल्कुल रेडी हैं। क्या है रेडी हो रेडी। यहाँ पर इनका मेकअप चल रहा है, रेडी रेडी हो रहे। चलो रानो अपन रेडी होते हैं। आज मैं तो रेडी हो चुका हूँ, बाकी सब रेडी हो रहे हैं। चौकी रानी है ना, हम पहले भी जा चुके हैं वहाँ पर। पहले हम अपने फ्रेंड्स के साथ गए थे, जो मेरे फ्रेंड के बच्चे का बर्थडे था। कई बार वहाँ पर जा चुके हैं, लेकिन मदर फादर के साथ हम पहली बार जा रहे हैं। सिस्टर की स्पेशल डिमांड थी कि उसको चौकी रानी जरूर जाना है, और पापा मम्मी को भी लेकर जा रहे हैं, क्योंकि पापा मम्मी को हम मैंने पहले कभी भी वहाँ पर लेकर नहीं गए हैं। उन्होंने चौकी रानी कभी देखा ही नहीं है कैसा है। रेडी हो गए क्या? क्यों जी रेडी हो गए? चले मतलब है ना, सुबह से मेरे कान खा रही है, जल्दी जल्दी चलेंगे। जब मैंने इनको बोला कि 4 बजे से रेडी हो जाना, 4:45 बज चुकी है। 4:30 तो बिल्कुल निकल जाना चाहिए था। तैयार भी नहीं हो रहे थे, हमने पीछे पड़ पड़ तैयार कर रहे हैं। मैं कभी चिल्ला रही हूँ तैयार होने के लिए। राजधानी एक्सप्रेस आई, भागती हुई। मतलब है ना, महिलाओं के सामने आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कुछ नहीं कर सकते। तैयार तैयार, 2 मिनट तैयार, 2 मिनट का मतलब 2 मिनट ही पूरी नहीं होती कभी। मीशो की सॉक्स। सब रेडी हो गए। तब हम सब रेडी हो चुके हैं, बस लेडीज डिपार्टमेंट रेडी नहीं हुआ, उनका चल ही रहा है मामला। अपन चलते हैं। मास्टर बन लेते हैं। अभी तो कोई भी नहीं आया ऊपर से, अपन ही आए बस। कहाँ घुस गई है? बाहर निकलो। अंदर बिल्ली घुस गई। अरे यार तो काट देगी। तो गाइस हम अभी भी वेट कर रहे हैं जी गाड़ी से। मैं, मीशु और ईशी, हम तीनों वेट कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत देर होगी वेट करते करते। फाइनली ये लोग आ चुके हैं, अब यहाँ से हम निकल रहे हैं। लो मम्मी को देना, मम्मी पकड़ो, कूदो, ऊपर जाना पड़ेगा मेरे को। क्यों जी? आज चश्मा रह गया लेकर। मेरे बच्ची जी मुझे तो निकल लेते यार। ओपन कर रहे थे चश्मा, वही चश्मा था। मैच करने के लिए मास्क उल्टा लगा लेते। बोलो दिखाया गया। और मई के महीने में पैदल चढ़ना, उतरना, मई की गर्मी में, गर्मी में, और 7th मंथ जी। तो गाइस, चौकी रानी पहुंच चुके हैं, बहुत लेट हो गए पहुंचने में। तो गाइस यहाँ पर देखा देखिए काम चल रहा है। जीजी और जीजी आज लगे हैं फोटो खींचने में। क्या हो गया? क्यों रो रही है? क्यों रोने की तैयारी करी क्या? गाइस रात में चौकी रानी ऐसा लगता है। कौन सा? हाँ मंदिर है वो, उधर जाकर। हाँ चौकी रानी में ही है ना। कैसा लग रहा है?
की सवारी कर रहे हैं। ये शी देखो, देखो इसी देखो। तो गाइस हमने खाना खा लिया है और एंजॉय भी काफ़ी कर लिया है। यहाँ पर जितना भी आपको पहले ही दिखा दिया था, इस वजह से मैंने आपको बहुत कम दिखाया है इस बार। ईशी भी आ गई, फेरी ईशी भी जा रहा है। तो अब हम जा रहे हैं वापस घर। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है और रात के बजे बज चुके हैं 10। चले नानू। चल सो गया विशु? नहीं सोया। सो गाइस हम घर पहुंच चुके हैं, सबने चेंज कर लिया, बहुत ज़्यादा थक गए हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है ना, बहुत बड़ा है वो। वहाँ पर मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि पहले वहाँ पर पूरा के पूरा हमने एंजॉय किया था, क्योंकि वहाँ पे है एक एक कप कॉफ़ी तो हो जाए, एक एक कप कॉफ़ी हो जाए और क्या? तो फिर बना लो, फिर कौन बढ़िया बनाता है? हिना जी बढ़िया बनाती कॉफ़ी, तो हिना जी पिलाएगी। सो गाइस हम सब ने कॉफ़ी पी ली है, मीशू सो चुकी है और हम सब भी सोने की तैयारी कर रहे हैं। कैसा लगा नानू आज का प्रोग्राम आपको? मास्टर घूम के मजा आ गया। हाँ, पिछली बार गए थे तब तो इतना सारा मजा नहीं आया था, लेकिन इस बार बहुत मजा आ गया। तो इस बार नानू को बहुत मजा आया, ईशी को भी मजा आया और मीशू को तो मजा आया ही। जितना पॉसिबल है हम मैंने आपको दिखा दिया आज के ब्लॉग में चौकी डाणी को, कि चौकी डाणी का ब्लॉग मैं पहले बना चुका हूँ, चौकी डाणी का बिल्कुल डिटेल से मैंने उसमें डाला है, आप जाकर के वो देख सकते हैं मेरा ब्लॉग, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। मम्मी को उनका स्काफ नहीं मिल रहा, जगह जगह ढूंढ मिल गया, मिल गया भाई, मिल गया, अरे मिल गया, मिल गया, अच्छे से मिल गया। सो गाइस इस ब्लॉग को हम यही एंड करते हैं, ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके बाय बाय।